राजधानी रायपुर में आज सर्व आदिवासी समाज ने CAA और NRC के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, कवासी लखमा, अनिला भेड़िया भी पहुँचे। CAA और NRC के खिलाफ आहूत इस प्रदर्शन में संगठन के प्रांताध्यक्ष DP नेताम सहित भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। समाज ने केंद्र सरकार की CAA और NRC NPR के विरोध में जमकर नारेबाजी किया गया। एक समाज। बोले भारत माता की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अलग बयान देते हैं और गृह मंत्री कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि NRC और NPR लागू नहीं होगा, जबकि गृह मंत्रालय का हमारे पास आदेश आ गया है कि NPR की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके साथ ही उन्होंने डिटेंशन सेंटर की तुलना कांजी हाउस से करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांजी हाउस में गाय बैल रहते हैं, उसी तरह से केंद्र के द्वारा बनाए गए डिटेंशन सेंटर में लोग रहने को मजबूर हैं, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और NRC में वे तुम्हारा डिटेंशन सेंटर इसे गाय गरु वो सब लोग डिटेंशन सेंटर में भेज सर। जहाँ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, वहीं आदिवासी समाज के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज इंडोर स्टेडियम में बैठक बुलाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जो लैंडलेस लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और इसका इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष DPS नेताम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पहले से ही हमारे देश के ऊपर भारी जनसंख्या का दबाव है, उसके बावजूद केंद्र सरकार 5 करोड़ लोगों को बाहर से लाकर बसाने की बात कह रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को जब भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो आदिवासियों की ज़मीन ही ली जाती है। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का विशेषाधिकार है। आज जो है भारत सरकार द्वारा CAA माने नागरिकता संशोधन कानून और NPR और NRC ये 3 प्रकार का जो कानून है, ये आदिवासियों के लिए क्यों घातक है, क्यों हमको विरोध करना चाहिए, ये समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए आज का कार्यक्रम रखे हैं। और हमने जो पाम्पलेट छपवाया है उसमें सारी बातें लिख दिया है। तो भाई, हम यहाँ के मूल निवासी पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं, जल जंगल जमीन हमारी है, और उसके बाद भी हमको अपनी नागरिकता साबित करना पड़ेगा, कई प्रकार के दस्तावेज लगेंगे, तो कहाँ से लाएंगे। हमारा मुख्य विरोध ये है कि पहले यहाँ के घुसपैठियों को बाहर करो। पहले ही जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है, हैं, और ऊपर से 5 करोड़ लोगों को बाहर से ला के बसाएंगे, कहाँ बसाएंगे भाई। सरकार को आदिवासी क्षेत्र ही मिलता है, हमारे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में फिर वो घुसा देंगे और हमारे आदिवासी वहाँ से बेदखल होते जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। हाँ, तो परिणाम देख रहे हैं कि नहीं, दिल्ली जैसे जहाँ खुद बैठे हैं वहीं इतनी हिंसा आगजनी तोड़ फोड़ हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, तो क्या जन हानि धन हानि सब करने में तुले हुए हैं। पहले ही शांतिपूर्वक बढ़िया चल रहा था, भारत का संविधान क्या कम है, चल रहा था कि नहीं, और उसके बाद ये नया नया कानून ला के थोपने की क्या जरूरत पड़ी भाई सरकार को। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने CAA और NRC के खिलाफ आज सांकेतिक प्रदर्शन कर केंद्र सरकार तक अपनी मनसा पहुँचाई है। CAA और NRC के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शनों की तरह उनकी भी एकमात्र ही मांग है कि इस कानून को सरकार वापस ले और देश में शांति व्यवस्था कायम कर विकास के लिए काम करे। देश TV के लिए रायपुर से प्रमोद साहू की रिपोर्ट।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।